जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह हम उठ चुके थे और हमने व्लॉग आज भी शाम को स्टार्ट कर रहे हैं, शाम 5 बजे। मसला इस ये है कि जो दिन है ना वो छोटे हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और रात जो है लंबी है, सर्दी है ना, इसलिए। तो आप सबको वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आ रहे हैं कजन के साथ बाहर, तो आ जाए चलते हैं आप सबको साथ देखिए। ये जो होते हैं ना जिन पे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, और ये हम लिखवाने आए हैं 13 रजब के लिए हैप्पी बर्थडे मौला अली। तो ये देख रहे हैं लाइटिंग वाला, तो इधर लाइट की हुई है, तो देखते हैं फिर आपको बताते हैं। अभी हम आए हुए हैं शालमी मार्केट में। पीछे बाइक वाला भाई आ गया। अभी हम आए हुए हैं शालमी मार्केट में, तो जैसे देख रहे थे फ्रेम, जैसे कि आपको बताया, तो अब चलते हैं, वो देख लिया है, तो अब हमने मोची जाना है, तो आ जाते हैं। पहले हम गए थे शालमी, अब हम आए हैं मोची। इधर से हमने आतिशबाजी का सामान लेना है 13 रजब के लिए, तो देखने हैं, तो फिर आपको बताते हैं क्या। ये देखें हम स्टिक्स वगैरह देख रहे हैं और नट्स देखें, और ये जो बॉक्स आजकल चले हुए हैं वो देख रहे हैं, तो अब देखने क्या होता है। ये भाई दिखा रहे हैं वीडियो में, इसमें 3 फंक्शन है। हाँ जी भाई बताओ क्या करना है फिर। ये देखिए, ये इसका पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। आतिशबाजी का सामान पता करके हम आ गए हैं थाने में। इधर चाचू का दोस्त है सचो, उससे मिलना है, तो उससे मिलने के बाद देखते हैं फिर क्या करना है। सामान भी अभी लेना है हमने आतिशबाजी का, अभी हमने देखा ही है सिर्फ। तो पहले हम शालम गए थे, शालम मार्केट, उधर से हमने लेना था बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे मौला अली, तो वो देखता है सारा कुछ, तो अब देखने क्या आता है। ये देखें सारा सामान ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं, और ये स्टिक्स वगैरह ले रहे हैं, तो बाकी लेके ये चलते हैं फिर। आतिशबाजी का सामान घर पे रख के हम आ गए हैं। ये देखें अब इस पे लिखवाना है जश्न हैप्पी बर्थडे मौला अली, तो ये देख रहे हैं अभी हम इधर। ये जैसे शीशे में होता है ना, इसमें लाइटिंग होती है। ये देखिए, ये देखें, ये लिखना जश्न मौला अली का बॉक्स, तो ये भाई, तो ये अभी देख रहे हैं साइज कौन सा आएगा, तो फिर आपको बताते हैं। अब हम दूसरे शॉप पे देख रहे हैं। ये देखें भाई चला के दिखाने लगे, इस पे लिखा जाएगा, तो फिर चला के दिखाते हैं, फिर इनको बता देंगे बना दें, ये बना देंगे। ये देखें भाई ने चला के दिखाया, अच्छा लगा। तो वाइट इसमें तो मतलब के शो हो रहा है इसके अंदर, तो वाइट ही भाई वो कलर दूसरा कर देंगे ना इसमें। इसमें तो वाइट शो हो रहा है, लेकिन कलर हम दूसरा चेंज करवा लेंगे। ठीक है, फाइनली हमने बनने का ऑर्डर दे दिया भाईजान को, अब ये हमें कल रात को मिलेगा, और परसों 13 रजब को जश्न है कजन के घर पे, तो बाकी आपको 13 रजब को वैसे देखने को तो मिलेगा ही। तो ये देखें वैसे अंकल ने चलाया हुआ है, तो अंकल से उनका व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं, तो फिर चलते हैं घर वापस। सीन कुछ ऐसे कि तलहा मुझे घर छोड़ के चले गया था खुद अपने घर पे, तो अभी मैं आया हूँ वेस्टर्न यूनियन पे, इधर से कैश लेना है आदिल के साथ, उसके घर वालों ने भेजा कैश बाइक से उसके पापा ने, तो वो लेने हैं, तो फिर चलते हैं। फाइनली कैश ले लिया हमने आदिल का, तो अब घर चलते हैं, तो फिर आप सबसे मिलते हैं। हम घर वापस आ गए हैं, अब हम खाना खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको खाना खाते हैं। हमारे पास रोटी और आलू हैं, और जल्दी जल्दी से खाते हैं। ये देखें तो भूख पहले बहुत लगी है, मिलते हैं रोटी खाने के बाद आप सबसे। हाँ जी, रात को हम खाना खा के, हमने व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी अभी उठ चुके हैं हम, तो हमने शावर लिया, हमें ख़त्म पे जाना है कज़न के अबू के, तो चलते हैं, तैयार श्यार हो गए हैं, तो आज आपको भी लेके चलते हैं। अभी हम ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे रुके हैं, ड्राई फ्रूट देखे हैं, इधर से अब ख़त्म पे जाएंगे। सीन कुछ ऐसा है कि ख़त्म से हम वापस आ गए थे, अभी हम जा रहे हैं बहन की बेटी को लेके डॉक्टर पे, तो आज चलते हैं।
अभी हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास। जैसे कि आपको बताया स्क्रीन 10 में, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो इनके हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ था, तो अंदर चलते हैं, घर में चेकअप करवाना है, तो आगे चलते हैं। ये देखें डॉक्टर साहब ने डॉगी भी रख लिया है। डॉक्टर से हम वापस आ गए हैं अल्लाह का शुक्र। और सीन कुछ ऐसे है कि आज मगरिब हो गई है, तो आज 13 रजब स्टार्ट हो गया। आप सबको मेरी तरफ से 13 रजब मुबारक हो आप सबको। तो सीन अब ये है कि जश्न, ये दो मंथ रजब और शबान में जश्न ही होते हैं, तो आज जश्न है एक जगह पे, तो हम उधर जा रहे हैं, आप सबको भी लेके चलते हैं। और मैं शामरा दोनों के पास हूँ। ये देखें जन्नत आपी आज तैयार हुई हुई हैं और अपना फेस गंदा किया हुआ है। गल गल गली आपी गंदी आपी, ये पैंट शर्ट पहनी हुई है, वाह वाह वाह, फ्रॉक और पैंट पहनी हुई है इसने। और शामरा साहब आ रहे हैं, आपको उनसे भी मिलवाते हैं। जश्न पे आ गए हैं, ये देखें कितना प्यारा इन्होंने सजाया हुआ है। ये देखें सारा एंड तक सजाया होता है, आपको सारा दिखाते हैं आगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। जा फिर तू। आगे अंदर अलम को सलाम करने चलते हैं, अलम बाग को। बड़े मुर्शिद का अलम लगा हुआ देखें माशाल्लाह। ये देखें आगे कवाली हो रही है, आगे चलते हैं। जश्न से हम वापस आ गए थे
और बैड सीन ये हुआ था, मैंने ब्लॉग इसलिए एंड नहीं किया था, जशन में मेरे छोटे भाई का मोबाइल चोरी हो गया था जो आईफोन एक्सएस था। तो बंदे को एक अपसेट सा तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया था उन्होंने ले लिया, या चोरी हो गया मेरे मौला ने दिया था तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है नया ले लेंगे। बंदा एकदम टेंशन में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाले, क्या पता कोई बड़ी मुसीबत से बंदा बच गया हो, तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो आने जाने वाली चीज़ है। तो आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।